सुबह भर में हम लोग अमान की सूरत हाल के पेश नजर अहम फैसले। सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम बंद कर दिया गया। मुल्तान समेत चार बड़े शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का स्कूल बंद रखने का ऐलान। कल मुल्क भर के प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे। तालीमी सरगर्मियों बारे आइंदा ऐलान कल मुशावरत के बाद जारी किया जाएगा। होंडा यामाहा के बाद सुजुकी का धमाका। सार्फिन के सर पर कीमतों में इजाफे का बम फोड़ दिया। मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 13 से 21 हजार रुपए मजीद इजाफा। सुजुकी G110cc 3,35,000 रुपए की हो गई। 125cc 4,88,000 रुपए तक जा पहुंची। GS150cc 3,64,000, 250cc 10,40,000 रुपए में मिलेगी। महंगाई ने गरीबों को छत से भी महरूम कर दिया। बहावलनगर में ताबीराती सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरिये का रेट 275 रुपए किलो तक जा पहुंचा। सीमेंट का थैला 1,150 रुपए में फरोख्त होने लगा। तामीराती कामों को ब्रेक लग गई। कारोबार भी मुतासर। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत से इकदाम करने की अपील। मुल्तान की होलसेल मार्केट में अद्वियात की किल्लत, शुगर ब्लड प्रेशर के अद्वियात नायाब, कमी के बाईस मरीज जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। मरीज ब्लैक में अद्वियात महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया बदस्तूर नायाब। घी चीनी आटे की सप्लाई मुमकिन ना बनाई जा सकी। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। ओपन मार्केट का रुख करने वालों से दुकानदारों की लूटमार। आटे की अदम दस्तियाबी को एक माह से भी ज्यादा अर्सा गुजर गया। शहरी चक्कर लगा लगा कर थक चुके। इंतजामी से अशिया की फराहमी का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर से फ्राहमी रिलीफ के दावे हवा। सब्सिडी की आस लगा। यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरी मायूस। भावलनगर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 रोज से आटा गायब। आटे की फौरी फ्राहमी यकीनी बनाई जाए, शहरियों का मुतालबा। बहावलपुर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की कुतुब नायाब। तालीमी सेशन शुरू होने के बाद भी कोटा पूरा ना किया जा सका। पांचवीं से लेकर नवी जमात की बेहतर कुतुब नहीं मिल रही। नई शुरू होने वाली तर्जमातुल कुरान की किताब भी नायाब। नवी जमात के लिए मुताला पाकिस्तान की किताब एक माह से शॉर्ट। सातवीं की उर्दू साइंस और रियाजी की कुतुब भी गायब हैं। बिहार शहर के मुतादिद इलाकों की सड़कें खस्ता हाल। खंडरात का मंजर पेश करती सड़कों से गुजरना मुहाल। शहर की कॉलोनी रहमानिया कॉलोनी मदीना कॉलोनी के सड़कें टूट फूट का शिकार। हादसात मामूल, कीमती गाड़ियां खटारा बन गई। हुकूमत से टूटी सड़कों को मरम्मत करने की अपील। मुल्तान में आरजी म्यूजियम बनाने पर पेशरफ ना हो सकी। इंतजामिया ने एक साल कबल आरजी म्यूजियम बनाने का ऐलान किया था। आर्ट गैलरी में जगह मुख्तस होने के बावजूद काम शुरू ना हो सका। शहरी और सयाह तारीखी नवादरात देखने से महरूम। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बिजली चोरों के खिलाफ इन एक्शन। एक हफ्ते के दौरान 124 बिजली चोर पकड़े गए। 1,44,597 यूनिट्स बिजली चोरी पर 41,55,000 रुपए जुर्माना। मुल्तान भावलपुर डीजी खान और दीगर सर्कल में कार्रवाइयां की गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इन एक्शन। अवामी शिकायत पर डीएचओ बहावलनगर तब्दील। साबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पर बेजाब्तियों के इल्जाम थे। वहीद बाजवा को एंटी करप्शन ने बतौर एमएस पैसे लेते रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया था। सुबह वजीर सनत और तजारत एस एम तल्ली के सरगोधा चैंबर ऑफ कॉमर्स आमद।
इस मौके पर कहना था हुकूमत सनअतकारों को साजगार माहौल फराहम करने के लिए अमले इकदाम यकीनी बना रही है। इंडस्ट्रियल स्टेट के जर अल्तवा केसेस को 15 दिनों में निपटाया जा रहा है। तरक्की के मुंतजर रहमीर खान के असातिज़ा के लिए बड़ी खबर। तरक्की और तबादलों के लिए ऑनलाइन ऐप पर शेड्यूल जारी कर दिया गया। असातिज़ा 25 मई तक दरख्वास्त मुतालिक अफसरान को जमा करा सकेंगे। स्क्रूटनी के बाद 20 जून को ऑर्डर जारी किए जाएंगे। डीजी खान डिवीजन में तैनात मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। कमिश्नर की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में तरक्की के अहकाम। डिप्टी कमिश्नर्स को एक हफ्ते में केसेस निपटाने की हिदायत। बंद फिल्ट्रेशन प्लांट को भी पार करने का हुक्म। पुलिस शोधा और मुलाजमीन के बच्चों में मुफ्त तालीम की फ्राहमी। अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल और बिहारी पुलिस के माबैन एमओयू तय पा गया। डीपीओ बिहारी ईसा खान सुखेरा और ब्रिगेडियर आमिर हाशमी ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। डीपीओ का कहना है अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल एक मिसाली एजुकेशन सिस्टम है। स्कूल इंतजामिया का पुलिस मुलाजमीन और शोधा के बच्चों के लिए बड़ा रिलीफ है। बहावल नगर के शहरियों को भी अब पीने के लिए साफ पानी मिलेगा। वर्ल्ड बैंक के तआवुन से वाटर सप्लाई मंसूबे का आगाज। आगाही के लिए पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। मंसूबे के तहत 20 नए ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे। तालीमी इदारों को जिदत की तरफ लाने के लिए एकदम। तमाम सरकारी कॉलेजेस अपने इदारे की वेबसाइट्स बनाएंगे। जिन कॉलेजेस की वेबसाइट्स नहीं इन्हें फौरी बनाया जाए। प्रोफाइल फीस टाइम टेबल नतज अपलोड होंगे। सेक्शन ऑफिसर रहीमर खान की तरफ से डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर रास्ता जारी। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खट्टर का जेर तामीर निश्चय 2 अस्पताल का दौरा। तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इकदाम जारी हैं। मुकर्रर वक्त में स्कीमों की तकनीक से पैसा बचाया जाए। क्वालिटी पर खुसूसी फोकस। रुकावट से आगाह किया जाए। कमिश्नर की गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाह जमाल लक्की जेर सदार डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी का इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया सीसीओ हेल्थ डॉक्टर बाबर अली मौजूद। इजलास से गैर हाजिर अफसरान को वजाहती नोटिस जारी करने का हुक्म। डेंगू लार्वा मिलने वाली साइट्स के मालकान के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का फैसला। डेंगू स्पॉट्स को फौरी क्लियर कराने के लिए अफसरान को फील्ड में मुताहरिक रहने का टास्क। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी डेरा गाजी खान का इजलास। कपास से मुतालिक हुकूमती इकदाम बारे किसानों को आगाही फराहम की जाए। नहरी पानी की फराहमी में हाल रुकावटों को फौरी दूर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर महर शाह जमान लख के अहकाम। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरियट जरिए शोबे की तरक्की के लिए सरगर्म। कपास टारगेट के हसूल के लिए स्टेक होल्डर्स से राबते जारी। सेक्रेटरी जरा जनूबी पंजाब साकिब अली अतनी की रोही से गुफ्तगू। कहा कपास की बवाई का 40% टारगेट हासिल कर लिया है। ज्यादा से ज्यादा कपास उगाओ जर मुबादला कमाओ। जनूबी पंजाब के इंतजामिया काश्तकारों को आमादा करने के लिए पुरअर्ज। रहीमर खान इंतजामिया की तरफ से खसूसी इंतजाम। चारों तहसीलों में कपास सबूत सेंटर कायम कर दिए गए। उधर चितौई में 63,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त हो चुकी। ज्यादा कपास उगाओ मुहिम के तहत गहरोड़ पक्का में भी कॉटन बाजार का इफ्तिताह हो गया। हुकूमत की तरफ से 2 मरतबा हदफ बढ़ाया गया। हमने दोनों मरतबा टारगेट हासिल किया। फ्लो मिल्स और सीड कंपनियों के नाम पर गंदम जखीरा नहीं करने देंगे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर की रूही से गुफ्तगू।
मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से स्कूलों में ट्रेनिंग। ट्रैफिक स्कूल रूल्स के साथ साथ रोड क्रॉसिंग बारे भी बताया गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के जरिए तमाम कॉलेज सिविल लाइंस में सेमिनार। उधर हादसा की रोकथाम के लिए पंजाब कॉलेज शुजाबाद में सेमिनार। तुलबा को रोड सेफ्टी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। दौरान सफर मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट इस्तेमाल करने की हिदायत। कम उम्र में ड्राइविंग से इज्तनाब करने की नसीहत। वजारत मजहबी अमूर के जरिए तमाम मुल्तान में आजमीन हज की ट्रेनिंग। जॉइंट सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर अहमद नदीम खान कहते हैं हजाज के तीन मुख्तलिफ निकात पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। जनूबी पंजाब से 12,000 आजमीन हज के लिए रवाना होंगे। डायरेक्टर हज रेहान खोकर के मुताबिक 21 मई को मुल्तान से पहली परवाज रवाना होगी। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए महकमे सेहत लिया के जेर एहतमाम सेमिनार और वाक। सदारत सीओ हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज ने की मंकी पॉक्स के हवाले से इकदाम जारी हैं। डीएचक्यू अस्पताल में वार्ड भी मुख्तस कर दिया गया। और लैया में गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज। 8 सरकारी स्कूलों में तालिबात के दरमियान मुकाबले। एडीसी जी कुलसिया नाज, सीईओ तालीम शौकत अली शेरवानी ने इफ्तिताह किया। टीडीए गर्ल्स हाई स्कूल और मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल में जोड़ पड़ा।